हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वरना फैशन क्लब। जैसा कि मैंने आपको अगली वीडियो में सिखाया था कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, आज हम उस ब्लाउज को आपको सिल के दिखाएंगे। लेकिन हाँ गाइस, आज हम आपको पहले मशीन में धागा कैसे डाला जाता है वो सिखाएंगे। पहले हम इस घिर्री में धागे डाले हैं ब्लू कलर का, फिर इसको ऐसे डाले इसमें, फिर इसको ऐसे करके इसमें फंसाए, इससे एक मशीन में धागे नहीं फंसते हैं। फिर इसको हम ऐसे भी उठा के लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते थे पर हम उधर से लगाए। इस धागा को ऐसे डालेंगे, पहले यहां ले जाके फंसाएंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर यहां ले जाएंगे, ऐसे खींचे, हाँ गाइस आपको मैंने कटिंग सिखा चुकी थी। आज मैं आपको इसको सिल के बताऊंगी कैसे इसको सिलना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि कैसे कैसे प्लेटें कितनी कितनी इंच की लगेंगी। आज मैं इसको सिल के दिखाऊंगी कैसे क्या सिलना है। अस्तर वाली के ब्लाउज है, पहले मैंने दोनों को ऐसे पकड़ लिया है और इसको ऐसे करके मार दिया। हाँ गाइस, आप ये वाली प्लेट जो यहाँ पे पड़ी होती है ये हम दो डाल देते हैं। ये वाली जो प्लेट होती है आपको पहले हमको सिखाना पड़ेगा बोलना, इसको जहाँ पे प्लेट पड़ेगी उसको जहाँ पे निशान लगा है ऐसे करके ऐसे मोड़ेंगे, उसी निशान पे हमको सिलाई लगाएंगे ऐसे करके। ये है बस, उनको ऐसे पकड़ के ऐसे मार देंगे। इस प्लेट को हमको ऐसे करके मारना है, ये वाली और ये वाले कपड़े बराबर रहे एकदम से, जिससे कि ये छोटा ना पड़े पहले टाइट ना पड़े। देखिए जैसे कि मेरा प्लेट पूरा बन के ऐसे तैयार हो चुका है एकदम से। अब इसमें हम तिरछी पट्टी ऐड करेंगे, जो हमने आपको कटिंग में बताया था कैसे उसको आगे से निकाले थे, इसको हम आपको पलटाना भी सिखाएंगे। इस कपड़े को हम ऊपर सिलेंगे ऐसे करके, जो उल्टा साइड होगा उसको ऊपर करेंगे, जैसे कि ऐसे पलटाएंगे तो वो सीधा आ जाएगा। बराबर
ऊपर से दबाने से थोड़ी ब्लाउज साफ साफ लगती है देखने में। हाँ गाइस ये देखिए मैंने ऊपर से सिलाई पूरी मार चुकी है। अब इसको हम इसको पलटाना सिखाएंगे क्योंकि हाँ अब इसको हम पलटाना आपको सिखाएंगे कैसे इसको पलटाना है। इसको पलटाने से आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे इसको बना सकते हैं अच्छी तरीके से। ऐसे इसको हम मोड़ लेंगे पहले, ऐसे इसको ले जाएंगे इधर से ऐसे कर देंगे। ये ध्यान दें कि अंदर मुड़ा हुआ कपड़ा इसमें सिलाई से ना दबे। एक भी कहीं भी आपको सिलाई दिख रही है तो बताओ कहीं भी एक भी सिलाई दिख रही है। इससे आपको इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। देसी स्टाइल में बनी हुई ये ब्लाउज। हाँ गाइस देखिए अब ये हम दोनों आगे साइड का बना चुके हैं। अब हम इसमें पीछे साइड का बनाना स्टार्ट करेंगे पीछे का, क्योंकि मेरा आगे का बन चुका है। अभी मैं लास्ट में आपको गला बताऊँगी कैसे बने। इसको बैक साइड का अच्छे से इसको हम पलटाएंगे मशीन सिलाई करेंगे फिर उसके बाद हम इसको पलटा देंगे। मेरे ब्लाउज में इंटरलॉक की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए अब हम आपको गले को पलटाना सिखाएंगे। गला कैसे पलटाया जाता है करके इनको अस्तर और फैब्रिक को मिक्स करके ऐसे मैच कर लेंगे फिर इसमें सिलाई मार देंगे।
हाथ डाल के ऐसे पलटा देंगे। मेरी गैस भी अच्छे से पलट चुका है। अब इससे हम मशीन चला देंगे, लेकिन हाँ इसको अगर अच्छे से गोल करना होता है तो हमको ना थोड़ा कैंची से कट लगाना पड़ता है अंदर साइड से, ना कि बाहर से कभी आप लगा दो। हाँ गैस, यहाँ बीच में एकदम कट लगाना है, यहाँ पे, जिससे कि ये एकदम साफ से लगाए, ये ना कि धागा काट दो। आराम आराम से कि जल्दी के चक्कर में धागा काट दो। देसी स्टाइल कटिंग ऐसे दोनों साइड हम मार दिए तीन तीन करके। अब इस पे हम सिलाई चलाएंगे, जैसे कि आपको पलटाना सिखाए तो उसी तरह पलटाएंगे। हाँ गाइस, इस पे हम ऊपर से मशीन चलाएंगे। आप इस पे लेस भी लगा सकते हैं, पर हम ऊपर से वाली मशीन चलाएंगे। लेस से ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन आएगी, हम सिंपल सा बना रहे हैं, हमारे पास लेस नहीं है। इंटरलॉक इस पे जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि गाइस हम आपको पहले ही बता चुके थे, इसमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ती, वैसा कि हो चुका है। अब ये देखिए देसी स्टाइल में मेरा न्यू लुकिंग ब्लाउज, न्यू स्टाइल की नए डिजाइन। इसमें आपको इंटरलॉक की करवाने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं इसको, ये देखिए। अब इस पे हम निशान लगाएंगे प्लेट डालने का, पीछे इधर और 4 इंच का इधर। अब हमको चौक से बताना पड़ेगा आपको पहले की दूरी पे 4.5 इंच का हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। ये देखिए ऐसे डाल देंगे, यहाँ पे भी 1 इंच की दूरी से हम 4 इंच की एक प्लेट डालेंगे, जिससे कि पहनने बहुत अच्छा दिखता है, अच्छी लुक आती है। ये देखिए हमारे दोनों साइड का निशान एक साइज का है। अब इसको हम सिलेंगे। हाँ गाइस, देखिए हम दोनों साइड से इसको मोड़ लिए अच्छी तरीके से, बस इसी जहाँ पे निशान लगा है वहीं तक हमको बस इस प्लेट को दबाना है, उससे आगे नहीं ले जाना है। ये ध्यान दीजिए कि अस्तर ना हो, और हमारी वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अगर थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको ये सिलाई समझ में नहीं आएगी। ये देखिए मेरी दोनों साइड्स की प्लेटें सेम साइज की प्लेटें हैं। मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखिए, मैं आपको बहुत कुछ इसमें बताने वाली हूँ आज। हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बता चुके हैं हम पीछे वाले साइड की गला कैसे पलटा है, तो वैसे हम आगे का भी बताएंगे। वैसे सब लोग तो पट्टी लगा देते हैं, पर हम आगे का पलटा देते हैं। ऐसे फोल्ड कर लिए, फिर इसको इस साइड से पकड़ लिए। हाँ ध्यान दें कि ये कपड़ा ना पकड़े, नहीं तो ये पलटेगा नहीं, फंस जाएगा, फालतू में आप ही परेशान होंगे।
ये देसी ट्रिक है, देसी स्टाइल। हम इसको सिल रहे हैं। जैसा कि हम आपको बैक साइड में बता चुके हैं कि इसमें यहाँ पे जो ये कॉर्नर में आता है यहाँ पे कट लगाना पड़ता है और इसमें बहुत साफ बनता है गला, ऐसे कट लगा देंगे। कैमरे में नहीं दिख रहा होगा साफ साफ क्योंकि हम फोन से वीडियो बना रहे हैं। फिर इसको हम ऐसे करके खींच लेंगे। ये देखिए अब खुद। फिर इस पे हम मशीन चला देंगे। आप मशीन चला भी सकते हैं, नहीं चला सकते। आप लेस भी लगा सकते हैं आगे साइड से। ये देखिए कि आगे का गला हमारा रेडी हो चुका है, आप खुद देख सकते हैं। अब हम इस आगे की पीस को पीछे वाले साइड से ऐड करेंगे, मतलब कि हम जोड़ देंगे इसको ऐसे करके। आप देख सकते हैं कि मेरा आगे और पीछे का सेम बराबर आया है। हम इसको कटिंग में आपको बता चुके हैं कि आगे का एक इंच बड़ा रहता है जिससे कि ये दोनों बराबर आए। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हम आपको बताए थे पहले ही कि हम इसको ऐड करेंगे, ये मैंने ऐड करके यहाँ पे रख दिया है। अब इसमें हम आपको बताएंगे इसमें बटन पट्टी कैसे इसमें ऐड करना है। हमको लेफ्ट साइड हुक लगाना है जिसको जिसमें हम अस्तर का यूज़ करेंगे और जिधर हम कस बनाएंगे उधर हम फैब्रिक का यूज़ करेंगे। अब इसको हम मशीन से सिलेंगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं ये पट्टी लगाऊंगी। मैं देखिए पट्टी लगा चुकी हूँ दोनों साइड। ये पट्टी दो दो इंच की है, डबल फोल्ड पर 2 इंच, सिंगल अगर रहेगा तो 4 इंच कटिंग करके फिर इसको लगा दिए हैं। अब हम इसको इसका शेप देंगे अपनी बॉडी की शेप में। हाँ देखिए गाइस, ये मेरी ब्लाउज सिल के एकदम रेडी हो चुकी है। इसमें हम आपको अब बाहीं लगाना सिखाएंगे कि बाहीं कैसे इसमें लगानी है। देखिए आप अच्छे से इसको इसको हम साइड में रख देंगे। आपको हम पहले बाजू का कटिंग दिखाएंगे। देखिए इसको हम पहले से ब्लाउज से निकाल के रख लिए थे, जो कपड़ा बचा था आप खुद ही देखे थे। देखिए अस्तर और हम फैब्रिक को मैच कर लिए हैं एकदम से। पिन का भी आप यूज कर सकते हैं। हम छोटी बाही बना रहे हैं अभी, आप इसको लंबी बाही बना सकते हैं, लंबी बाही और अच्छी लगेगी इसमें। हमको छोटी ही बाही पसंद है। इसको हम 4 फोल्ड कर लिए हैं, ये खुद ही आप देख सकते हैं। इस बाजू को हम 4 इंच ही रखेंगे। नीचे साइड से 2, इसको हम गोला आकार में देंगे। ये बन चुका है मेरा गोलाकार का, ऐसे कर देंगे हम। ब्लाउज की बाजू का ये सेप है।
अब इसका हम कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारी बाही कट चुकी है, हम छोटी सी बाही लगा रहे हैं। आप इसकी मतलब इसमें लंबी भी कर सकते हैं, फुल भी बना सकते हैं। अगली वीडियो में आपको फुल बाही भी बताएंगे। आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए और नेक्स्ट वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम फुल बाही के ब्लाउज बनाएंगे। ये देखिए मेरी बाही कट चुकी है, हम छोटी सी बाही लगा रहे हैं। अब इसको हम मशीन में सिलेंगे। हाँ गाइस, जैसे आपको हम पहले बता चुके हैं कि जैसे गला पलटाया जाएगा वैसे हम बाही पलटाएंगे। अब इसको हम सिलेंगे अच्छी तरीके से। हाँ गाइस, इस पे हम लेस ऐड करें जिससे कि हमारी बाही बहुत अच्छी लगे देखने में। ब्लाउज में सफाई बहुत अच्छी आती है और फिटिंग भी अच्छी होती है। हाँ गाइस, अब हम इस बाही को इस ब्लाउज के साथ ऐड करेंगे। हमको ब्लाउज सीधी नहीं उल्टी कर देनी है और बाही सीधी कर देनी है। ये सीधी बाही है और इसको हम इसमें ऐसे करके कर देंगे। ये दोनों अच्छे से पकड़ लेंगे बराबर, यहाँ पे सिलाई के पास ऐड कर लेंगे ऐसे। फिर इसको मैं सिलाई कर दी। ये ध्यान दीजिए कि बस सिलाई जहां पे उसी सिलाई दिए बाजू की जो सिलाई उसी सिलाई पे रखनी है। बस फिर मशीन से करके मशीन चला दी। हाँ दोस्तों, देखिए हमारी ये बाही बन चुकी है। दोनों साइड से हमारी ब्लाउज एकदम रेडी हो चुकी है। बस इसको हमको